एंड वेलकम टू लिविक शेफ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्रैंकी। चिकन फ्रैंकी बनाने के लिए हम सबसे पहले मैदे को गूंद लेंगे। मैदे को हमने थोड़ी देर पहले ही गूंद लेना है कि जब हम फ्रैंकी बनाना स्टार्ट करें तो उस वक्त मैदा फर्मेंट होना चाहिए। उसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, उसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून दही और उसको गूंद लेंगे। इसको गूंदने के लिए हमने ल्यूकवॉर्म पानी इस्तेमाल करना है। अब ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल मिला के इसको एक बार दोबारा हल्के हाथों से गूंद लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्टिंग के लिए रख देंगे। इस गूंदे हुए आटे को हमने मिनिमम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रखना है। स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है। बोनलेस चिकन को मैंने पतला पतला काट लिया है, ऑलमोस्ट ये साइज़ का। बोनलेस चिकन मैंने 300 ग्राम्स लिया है। इसमें मैं अब मिला रही हूँ जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ पेरी पेरी मसाला, ये भी मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। पेरी पेरी मसाले की जगह आप तंदूरी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून दही और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसको मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे तक रेस्टिंग के लिए रख दूँगी। अब हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको सॉटे करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ। चिकन सॉटे करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि चिकन जो है ये ब्रेस्ट पीस हैं, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इनको लो या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने की या सॉटे करने की ज़रूरत नहीं होती है। चिकन को आपने हाई फ्लेम पे ही पकाना है और ये 10 मिनट में तैयार हो जाता है। अब मैं फ्रेंच फ्राइज फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने घर के बने हुए फ्रेंच फ्राइज यूज़ किए हैं। स्टफिंग के लिए मैंने जो चीज़ें यूज़ किए हैं वो हैं कैबेज, अनियन, कैप्सिकम और टमाटर। इनको मैंने जूलियंस बना लिए हैं पतले पतले, इसको आप स्लाइसर से भी श्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप मेयोनीज और फ्रेंच फ्राइज। अब मैं मेयोनीज में सारे वेजिटेबल्स मिक्स कर रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ कैबेज, थोड़ा अनियन, कैप्सिकम और टमेटोज। इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसको आप मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके इसको साइड में रख दें ताकि ये स्टफिंग के काम आ सके। अब हम फ्रैंकी बना लेंगे। फ्रैंकी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, देखिए ऑलमोस्ट ए साइज़ के बनेंगे। अब सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं, इसको मैं डस्ट करूँगी आटे से और एक मीडियम साइज़ की रोटी बना लूँगी। रोटी बनाते वक्त बस ये ध्यान रखें कि रोटी ईवन हो और बहुत ज़्यादा पतली ना हो, थोड़ी मोटी ही रखना है, ऑलमोस्ट इतनी। अब इस रोटी को हमने मीडियम फ्लेम में अच्छे से सेक लेना है दोनों तरफ से। रोटी सेकते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि तवा अच्छे से गर्म हो। जब आप उस पर रोटी डालें और थोड़ी देर उसका वेट करें, देखिए उस पर जब छोटे छोटे बबल आने लगे तो इसको पलट दें। इसको बहुत ज़्यादा हार्डली सेकना नहीं है, थोड़ा नरम ही रखना है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालें और उसको पलट दें। अब दूसरी तरफ से भी थोड़ा तेल लगा लें और उसको सेक लें अच्छे से। अब हमारी फ्रैंकी की रोटी तैयार है। अब इसको हम स्टफ करेंगे चिकन के साथ। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन, उस पर मैं डालूंगी फ्रेंच फ्राइज और सैलड। जिन लोगों को स्पाइसी पसंद हो वो इस पे पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या आपने पुदीने और हरी मिर्च की चटनी भी डाल सकते हैं इस पे। अब इसको प्रॉपरली फर्मली इसको रोल कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। आप इसको चाहें तो बटर पेपर से रैप भी कर सकते हैं। ये फ्रैंकी बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप वेट वॉचर हैं तो आप मैदे की जगह वीट फ्लार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये डिश आपको कैसी लगी है। अब हमारा मज़ेदार चिकन फ्रैंकी तैयार है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए इंजॉय करें। थैंक यू।